एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एफबी अड्डा। सो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे चैनल दिख रहा होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फेसबुक जल्दी से मिलती रहे, टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो जैसा कि आपको पता है कि अभी सीजन एंड है एंड संगीता कुमारी वाली आईडी चल रही है, तो आप सब भी उस पर मस्ती कर रहे, बेस्ट पोस्ट भी उस पर आती है क्योंकि उसके लिए भी मैंने अलग से बेनिफिट रखा हुआ है, दैट्स वाई कि पोस्ट आ रही है उस पर। तो आप लोग सब जम के उस पर सपोर्ट करिए एंड बेनिफिट से मजे लीजिए। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है कि मैं आज आप लोगों के लिए बहुत आप लोगों के हिसाब मतलब हिसाब से तो वो बहुत माइनर है लेकिन वो बहुत मायने रखती है एक आईडी को मतलब प्रोफेशनल लुक देने के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले ना आपको एक लुक देती हूँ आईडी को जो प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ उस आईडी की। सो मैं एक नॉर्मल सी आईडी चूज कर रही हूँ जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने एक नॉर्मल सी आईडी चूज करी है जो मतलब सर्चिंग में आ रही थी, ठीक है। तो मैं अभी आपको उस पर दिखाती हूँ। यहाँ पे जो लिंक डाला हुआ है वो लिंक यहाँ पे नॉर्मल सा लिंक है, मतलब नेम्स वगैरह अपडेट इसमें नहीं किया हुआ, बिल्कुल नॉर्मल लिंक है। तो इंसान अगर इसे कॉपी करेगा तो उसे नंबरिंग वाइज लिंक मिलेगी मतलब सर्च करने के लिए, और हम प्रोफाइल सर्च करने के लिए मेनली लिंक ओपन करते हैं। बट आप लोग देखते होंगे कि मेरी आईडीज में स्पेशली आपको नाम बता देती हूँ मैं, जैसे कि चिकू फैमिली 143 सर्च करिए तो ये आईडी आ जाएगी, या जेपी बैग सर्च करिए तो पुष्पा वाली आईडी आ जाएगी, ज्योति पंडित 0101 सर्च करिए तो ज्योति पंडित वाली आईडी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे करके तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार दीदी ने ऐसा कैसे करके रखा हुआ, हमारी आईडीज में तो ऐसा नहीं है, हमारी आईडीज को तो नेम से सर्च करना पड़ता है, फिर भी वो आती नहीं है जल्दी से, नॉर्मली आईडी मिलती नहीं है। तो मैंने वो ऐसा करके रखा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ अपने आईडी में, जो मेरा आईडी इतना प्रोफेशनल है, मैं जो नेम्स बोलती हूँ उसी नेम से सर्च करने से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरी और मेरी सिंगल आईडी मिलती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपने एक भी पॉइंट को मिस किया तो फिर आप वो प्रोफेशनल लुक अपनी आईडी को नहीं दे पाएंगे। तो तब तक के लिए मैं आपको एक छोटी सी लुक दे देती हूँ निशा देवी वाली आईडी पे, जो कि नेक्स्ट सीजन बैक आने वाली है। निशा देवी वाली आईडी आपको पहचानने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट जस्ट फॉलोअर्स पे एक लुक डाल लेना है, विच इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। आपको दिख रहा होगा इस पे 225K फॉलोअर्स है, और चलिए इससे भी कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं कि फॉलोअर्स क्या ही है, तो मैं आपको इसकी लाइक एंड कमेंट्स शो कर देती हूँ, तब शायद आप के लिए वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें 78K लाइक है और 119M कमेंट्स भी है, तो आप इससे भी आराम से आईडी को पहचान सकते हैं कि कौन सी आईडी निशा देवी वाली है। तो छोटी सी बात कहना चाहूंगी इसके लिए कि आप लोग जल्दी से इस आईडी को सेव करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मेन आईडी बैक आने वाली है और हमारा चीकू फैमिली का धमाका दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले तो छोटी धमाका चल ही रहा है हमारी छोटी की आईडी पे, संगीता कुमारी वाली आईडी पे, तो आप लोग वहां पे एंजॉय करते रहिए। चलिए मैं वीडियो के साथ कंटिन्यू करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि हमें अपनी आईडी को प्रोफेशनल लुक कैसे देना है। तो मैं एक आईडी लॉग इन करके रखी हुई जिसका वो नेम चेंज नहीं किया हुआ, तो मैं आपको वही वहां से नेम चेंज करके बताऊंगी, और ठीक उसी तरह से आप लोगों को भी आपके आईडी की नेम्स को चेंज कर लेना है, ताकि अगर आपके फ्रेंड्स पूछे कि भाई तेरे इतने सारे फॉलोअर्स हो गए हैं तुम्हारा आईडी मिलेगा कैसे मुझे, क्योंकि तुम्हारे नाम की तो मुझे काफी सारी आईडीज मिल रही है, ठीक है। तो आप उन्हें एक नाम दे सकते हैं कि ब्रो इस मतलब ये मेरा नाम है, ऐसे सर्च करो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी आईडी खुलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक आईडी ओपन करी हुई है जो है अनुप कुमार की आईडी है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आईडी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मेनली यहाँ से इसकी जो यूजर नेम, आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूजर नेम करके, जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, नॉर्मल सा है, तो मैं उसे अभी चेंज करूंगी। और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा अभी एक सेकेंड, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगा कि आप यहाँ पे विजिट करो प्ले स्टोर पे, विजिट करके आपको सर्च करना है मैसेंजर, मैसेंजर सर्च करके, मेरा जैसे मैसेंजर डाउनलोड किया हुआ है तो आप लोगों को यहाँ से इस मैसेंजर को डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में, उसके बाद वो नेम चेंज होगी, मैसेंजर से ही चेंज होगी। चलिए ठीक है, आपने डाउनलोड कर लिया होगा, हम चलते हैं चेंज करने की तरफ। मैंने यहाँ पे मैसेंजर को ऑन किया है,
मैसेंजर को ऑन करके मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, ये मुझे आईडी की वो जो प्रोफाइल लगी होगी वो आपको ऊपर में दिख रही होगी, जैसा इस आईडी का दिख रहा है। मुझे नीचे स्क्रॉल करते ही वो ऑप्शन मिल गया दोबारा से यूजर नेम वाला, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे यूजर नेम पे। चलिए क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे एक दो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एडिट यूजर नेम और दूसरा आपको दिख रहा होगा कॉपी लिंक। तो हमें कॉपी लिंक पे नहीं प्रेस करना है, हमें प्रेस करना है एडिट यूजर नेम पे। एडिट यूजर नेम पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम का वो ब्लैंक आपको दिख रहा होगा, उस ब्लैंक को हमें नेम चेंज कर लेना है। आपकी जो इच्छा है आप वो नेम डाल सकते हैं। मुझे इस आईडी के लिए नेम चाहिए, इनकी जो नाम है मैं वही डाल देती हूँ, अनुज मोदी 0111111। चलिए ठीक है, मैं देखती हूँ ये ले रहा है कि नहीं। हाँ ये नेम ले लिया। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, आप जो नेम रखोगे वो कभी कभी लेता भी नहीं है, बट यहाँ पे ये नेम ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे यहाँ से सेव। चलिए देखते हैं। यस, अब देखिए अब क्या हो गया है, यहाँ पे हमारी यूजर नेम बदल चुकी है, जो पहले यूजर नेम थी वो अब नहीं है, अब यहाँ पे हो चुका है अनुप मोदी 111 जैसा, जो मैंने अभी चेंज किया था वही यूजर नेम हमें एकदम आपको स्क्रीन पे अभी सामने दिख रहा होगा। तो है ना ये मजेदार, लग रहा है कि बहुत छोटा सा चीज है, बट कितना मजेदार था, मतलब आईडी को एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए बहुत ज्यादा अहम हिस्सा है इस चीज का। तो आप लोग भी अपनी आईडी को जल्दी से एक प्रोफेशनल लुक दे दीजिए। एंड एक बार और मैं कहना चाहूंगी कि निशा देवी वाली आईडी को सी फर्स्ट कर लीजिए, इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे अपडेट्स मैं वहां से भी डालते रहती हूँ। एंड जैसा कि आपको पता है एडिटिंग स्पेस बहुत ज्यादा लिमिटेड रहती है, वो ऑलमोस्ट फुल होने वाली है, तो जिन्होंने अभी तक से बुकिंग नहीं करवाया जल्दी से करवा लीजिए और फॉलो इंस्टाग्राम, और वहाँ पे ट्यून रहिए, पोस्ट नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखिए इंस्टाग्राम की, ताकि आपको काफी सारे अपडेट्स वहाँ से भी मिलते रहे और आपको बहुत ज्यादा आसानी होता रहे। एंड जिन्होंने भी अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि सारी अपडेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना।